अनदर न्यू व्लॉग। आप सभी को लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गिट्स के रेडी मिक्स गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं दोनों 100-100 के पैकेट हैं। बुलाए लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दो आज लक्की क्या बना रहा है, लक्की क्या बना रहा है आज? नहीं, आज लक्की नहीं बना रहा है, आज लक्की नहीं बना रहा है। मम्मा बना रही है, मम्मा बना रही है, हाँ मम्मा बना रही है, हाँ मम्मा बना रही है। अच्छा 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 किसे दे दो, मम्मा को किसे दे दो? ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। आइए हम तेल गरम कर रहे हैं। चलिए अब हम पैकेट खोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बार में 20 या 30 गुलाब जामुन के लगभग बने उतना ही आटा लूँगी, क्योंकि अकेले गोले बनाना फिर फ्राई करना दोनों में ध्यान देना होता है, इसलिए मैं 20-30 ही बनाती हूँ एक बार में। और अगर मैं एक बार में आटा गूंथ लेती हूँ तो रेडी मिक्स बाद में ड्राई होते जाते हैं और गोले बनाओ तो क्रैक्स पड़ते हैं, और जब फ्राई करती हूँ तो वो फट जाते हैं। इसलिए मैं 20 से 30 गुलाब जामुन का बैच लेती हूँ, फिर 20-30 को कंप्लीट करने के बाद ही फिर नेक्स्ट आटा गूंथती हूँ। और इस बीच में हमें ये भी ध्यान देना होता है कि चाशनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो गई है, चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आटा मैंने कितना पतला गूंथा है, ये ज़्यादा टाइट नहीं हो और ज़्यादा गीली भी नहीं हो, बस हाथ से लोई बन जाए और हाथ में भी ना लगे, इसके लिए हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी चम्मच का इस्तेमाल किया है ताकि सभी गुलाब जामुन एक शेप के बने, एक ही साइज के बने। मुझे बहुत सारे गुलाब जामुन बनाने हैं इसलिए मैं कभी कभी हाथ से ही लोई ले रही हूँ। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया है, अब मैं लोई को धीरे धीरे तेल में डालूंगी। आंच को मैंने मीडियम रखा है। सभी लोइयां डालने के बाद हम धीरे धीरे इसे चलाएंगे ताकि ये नीचे तले से चिपके ना और सभी ओर से अच्छे से पके और हर तरफ एक सा कलर आए, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे।
गाइस गुलाब जामुन में अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल के चाशनी में डालूंगी। लक्की रो रहा है, नींद आ रही है उसे। अब वीडियो में आप सुन सकते हैं। देखिए लक्की सो गया है। अब मैं फिर से किचन में जाती हूँ, अपना काम पूरा करती हूँ। देखिए गुलाब जामुन अच्छे से फूल गए हैं और चाशनी भी ठंडी हो गई है। तो मैं दूसरे बर्तन में गुलाब जामुन को निकाल देती हूँ, फिर चाशनी को वापस गर्म करूँगी। इधर मैंने गैस जला लिया है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं आटा तैयार करती हूँ। हम फिर से 20-30 के लगभग आटा लेंगे, फिर उसे गूंथ कर तैयार करेंगे, फिर हाथों में तेल लगाकर लोइयां बनाएंगे। मैं एक छोटी लोई डालकर चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। यह हल्का गर्म हो गया है तो इसमें मैं सभी लोइयां डाल देती हूँ धीरे धीरे। फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लोइयों नीचे ना चिपके तले से, इसके लिए हम इसे चलाते रहेंगे। और एक बराबर से भी पके इसलिए भी हम इसे चलाते रहेंगे। और देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे चाशनी में डालूंगी। ये देखिए हमारे 100 गुलाब जामुन पूरे हो गए हैं। अब मैं दूसरा पैकेट खोल रही हूँ। और 100 गुलाब जामुन मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी। फ्रेंड्स मैं चाशनी कैसे बनाती हूँ ये वीडियो में शुरू में मैंने नहीं बताया है। मैं आपको अपने हिसाब से मेजरमेंट बताती हूँ। मैं चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी या शक्कर लेती हूँ तो 1.5 कटोरी पानी डालती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चीनी ली है तो इसमें मैंने 3 कटोरी पानी ऐड की हूँ। जब यह हल्का सा चिपचिप होने लगे तो चाशनी तैयार हो गई है। इसमें मैं इलायची भी ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने 3 इलायची ऐड की है। देखिए इसमें यह थोड़ा थोड़ा चिपचिप हो रहा है। मेरे 230 से 40 लगभग गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। अब मैं और 20 गुलाब जामुन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रेडी मिक्स आटा लिया है।
तो फाइनली मेरे गुलाब जामुन तैयार हैं, बन गए हैं सारे, और सबको मैं चाशनी में डुबो कर रखी हूँ कल सुबह तक। इसके बाद ही मैं टेस्ट करूँगी ये कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं इसमें 50 गुलाब जामुन हैं इसमें, और इसमें दोनों मिला के 200 होंगे, 200 प्लस ही होंगे। इसको बनाने के लिए मुझे लगे हैं ये 2 पैकेट और ये तीसरा पैकेट आधा, इसका सिर्फ आधा ही मुझे लगा है इतना बनाने में। ये 100 गुलाब जामुन इसमें लिखे तो हैं पर मेरे तो 100 से भी ज़्यादा बने हैं, अब 5-10 ज़्यादा बने हैं दोनों में ही, 100 100, तो इसमें 5-10 ज़्यादा बने हैं। और इसमें इससे मैंने बस हाफ ही लिए हैं ताकि वो प्लस ही रहे तो अच्छा है, ज़्यादा ही रहे तो अच्छा है, कम ना पड़े बस।